मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चार सूत्रीय मांगों को लेकर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। उसके अंदर पहली मांग थी कि कॉलेज में बॉयज हॉस्टल खुलवाने के लिए। इस कॉलेज में 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं और वो आने में सक्षम नहीं पड़ती थी, तो घर से सक्षम नहीं है, तो उनके लिए उन्होंने हॉस्टल खुलवाई थी। हॉस्टल के लिए वो हमने ज्ञापन दिया है और जो पीछे एक हॉस्टल पड़ी है उसका निर्माण नहीं हुआ, तो उसके निर्माण के लिए हमने अभी सर को ज्ञापन दिया। सर ने ये बताया कि हम उसके लिए बात करेंगे और उसके निर्माण का कार्य करेंगे। और दूसरा हमारा मांग थी कि एक पार्किंग में जिसके पास आईडी कार्ड बना हुआ है उसके अंदर 50 रुपये लिखे हुए हैं, चार्ज लिया हुआ है, उससे चार्ज ले रहे हैं, उसको मना करने के लिए मैं ज्ञापन दिया था। सर ने बोल दिया हम बात करेंगे। और हमारी तीसरी मांग ये थी कि बाहर से अवैध चेक सिस्टम हटाने के लिए, यहाँ पर आए दिन यहाँ पर गाड़ियाँ आती है तो कॉलेज के जस्ट गेट के सामने टर्न ओवर करते हैं, तो उससे आए दिन एक्सीडेंट होता है, कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है। तो सर ने बोला परिवहन में लेटर भेज दिया है, फॉरवर्ड कर दिया, वो भी मांग मानने के लिए सर ने हमें आश्वासन दिया। और हमारी चौथी मांग थी महाराणा प्रताप सभागार के ऊपर जो नाम है वो पहले गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर था वही लिखा है, उसको चेंज करवा के उसके अंदर पूरा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर लिखवाने के लेकर हमने ज्ञापन, वो पहले ही प्रदर्शन किया था, इन्होंने बोला हमने आगे लेटर फॉरवर्ड कर दिया है, तो हमने कलेक्ट्रेट में उसके लिए प्रदर्शन करेंगे और कॉलेज बंद करवाएंगे, जो भी है उसके लिए आंदोलन भी करना पड़े तो वो भी करेंगे हम।